देखिए आज हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अनुक्रम क्या है, क्योंकि जब हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो समांतर श्रेणी पढ़ते समय अनुक्रम शब्द का जिक्र होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अनुक्रम किसको कहते हैं। जैसे देखिए हम सबसे पहले उदाहरण पर गौर करते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, 11। यदि इसको देख के कहा जाए, इस पैटर्न को देख कर यदि आपसे पूछा जाए इसके बाद क्या लिखा जाएगा, ये पैटर्न आपके सामने है 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसको देखकर कहा जाए कि इसके आगे क्या लिखा जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि 13 लिखेंगे। क्यों 13 लिखेंगे, क्योंकि दो दो का डिफरेंस है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इसी ढंग से लिखा जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसको देखने से यह पता चल जाता है कि इसके बाद अगली संख्या कौन सी लिखी जाएगी। यदि कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हो तो वो सारी संख्याएं अनुक्रम में कहलाती है। यदि संख्याओं का पैटर्न देखने से यह पता चल जाए कि इसके जस्ट बाद कौन सी संख्या हम लोग लिखेंगे तो उसको अनुक्रम में कहा जाएगा। जैसे ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसको देखकर हम बता सकते हैं कि इसके जस्ट बाद 14 होने वाला है, 16 आने वाला है, 18 आने वाला है। तो अगली संख्या का पता लग जाता है इस पैटर्न को देखकर। ये दोनों ही उदाहरण जो है इसको कहा जा सकता है कि ये संख्याएं अनुक्रम में है। इसलिए हम लोग अनुक्रम का परिभाषा भी लिखे हैं, कई संख्याओं को एक के बाद एक लिखने में, कई संख्याओं को एक के बाद एक लिखने में यदि किसी नियम का पालन हो रहा हो, यदि किसी नियम का पालन हो रहा हो ताकि अगली संख्या प्राप्त किया जाए तो संख्याएं अनुक्रम में कहलाती है। इसको देखिए कई संख्याओं को एक के बाद लिखे हैं, कई संख्याओं को एक के बाद एक लिखे हैं, लेकिन इसमें एक नियम का पालन हो रहा है। नियम का पालन कैसे हो रहा है कि प्रत्येक संख्या के बीच में दो दो का गैप है, दो दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस। आगे भी लिखेंगे तो कितना का डिफरेंस रहेगा, दो का डिफरेंस रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या जो है एक निश्चित क्रम में लिखा हुआ है, और यदि कोई संख्या एक निश्चित क्रम में लिखा हुआ रहे तो उसी को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। एक निश्चित क्रम में कहने का मतलब जिसको देखकर ये पता चल जाए कि आगे हम लोग क्या लिखे। जैसे इसको देख के हमें पता है कि आगे 13 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 17 लिखेंगे, इसको देखने से पता चल जाता है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 है तो आगे 14 लिखना है, 16 लिखना है, 18 लिखना है, 20 लिखना है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अनुक्रम किसे कहेंगे। यदि संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में लिखा हो जिसको देखने से पता चल जाए कि इसके बाद कौन सी संख्या लिखी जाए तो संख्याओं के समूह को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। तो ये था आपका अनुक्रम। अब हम लोग देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी को हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें अनुक्रम जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। अभी देखिए परिभाषा लिखे हैं समांतर श्रेणी का, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक स्थिति में सर्व अंतर समान आता हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक स्थिति में सर्व अंतर समान आता हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस संख्या को देखकर हम लोग कह सकते हैं कि अनुक्रम में, अनुक्रम में इसीलिए क्योंकि इसके बाद कौन सी संख्या लिखी जाएगी हमें पता है, एक निश्चित क्रम में लिखा हुआ है। निश्चित क्रम में लिखा हुआ है कहने का मतलब प्रत्येक स्थिति में कितना का डिफरेंस है, दो 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 का डिफरेंस है, तो दो का डिफरेंस होने के कारण ये अनुक्रम में है। और यदि संख्याओं का ऐसा अनुक्रम हो जिसके जिनमें पदों के बीच का सर्व अंतर हमेशा समान आता हो तो उसे ही समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 और 6 के बीच में कितना अंतर आएगा, 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएं तो अंतर 2 आएगा, 8 में से भी 6 घटाए अंतर 2 ही आएगा, 10 में से 8 घटाए अंतर 2 आ जाएगा, 12 में से 10 घटाए अंतर 2 आ जाएगा, 14 में से 12 घटाए अंतर 2 आ जाएगा, 16 में से 12 घटाए अंतर 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो संख्याओं का अनुक्रम है उसमें देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो हमेशा समान आता है। अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाइए यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, अंतर कितना है, 2, यहाँ पर भी अंतर कितना है, 2 है, यहाँ पर भी अंतर जो है 2 है, और यहाँ पर भी जो अंतर दिख रहा है वो 2 है, यहाँ जो आपका अंतर है वो भी 2 है, ये जो अंतर है 14 और 16 के बीच में ये भी अंतर 2 है।
तो ये जो अंतर सब जगह दिख रहा है दो, इसको सार्वंतर कहा जाता है। सार्वंतर क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी जगह का अंतर है, यहाँ का अंतर, 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 क्योंकि प्रत्येक दो टर्मों के बीच का अंतर है, इसलिए इसको कहा जाता है सार्वंतर। और हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में सार्वंतर का मान क्या है, समान आया है। यहाँ पर भी दो आया है, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो आया है, यहाँ पर भी दो आया, यहाँ पर भी दो आया। एक उदाहरण देखिए, यदि एक यहाँ पर लिखा रहा था 1, 5, 9, 16, 20, तो इसको हम लोग समांतर श्रेणी नहीं कहते, क्योंकि सबसे पहली बात ये तो अनुक्रम में नहीं है, और अनुक्रम में भी नहीं है, इसलिए इसके बीच का सार्वंतर हमेशा समान नहीं आएगा। यहाँ पर यदि हम देखिए सार्वंतर, तो सार्वंतर कितना आने वाला है, 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा। यहाँ पर यदि हम लोग सार्वंतर देखे तो यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सार्वंतर तो 16 में से 9 जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पर 20 में से 16 जाएगा तो यहाँ पर सार्वंतर 4 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सभी जगह सार्वंतर बराबर नहीं है। तो जब सभी जगह सार्वंतर बराबर नहीं है, इसको समांतर श्रेणी में नहीं कहा जाएगा। इसलिए हम लोग समांतर श्रेणी का परिभाषा लिखे हैं, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक स्थिति में सार्व अंतर समान आता हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इस उदाहरण को देखिए, प्रत्येक स्थिति में सार्व अंतर समान है। 6 में से 4 घटाते हैं 2 आता है, 8 में से 6 घटाते हैं 2 आता है, 10 में से 8 घटाते हैं 2 आता है, 12 में से 10 घटाते हैं 2 आता है, 14 में से 12 घटाते हैं 2 आता है, 16 में से 14 घटा रहे हैं 2 आ रहा है। प्रत्येक स्थिति में सार्व अंतर समान आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी में है। लेकिन ये जो उदाहरण लिया गया वो समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में सार्व अंतर समान नहीं आता है। यहाँ दो टर्मों के बीच का सार्व अंतर 4 है, यहाँ दो टर्मों के बीच का अंतर 4 है, यहाँ दो टर्मों के बीच का अंतर 7 है, यहाँ दो टर्मों के बीच का अंतर 4 है। तो 3 जगह 4 है, लेकिन एक जगह कितना है, 7 है। तो सार्व अंतर सभी जगह एक समान नहीं है, इसलिए इसको समांतर श्रेणी में नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जो आपका उदाहरण है वो समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक टर्म के बीच में सार्व अंतर क्या है, समान है। यहाँ पर हम दिखाए भी हैं कि यहाँ सार्व अंतर कैसे होगा, तो 6 में से 4 घटाएंगे। सार्व अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगली संख्या में से पिछली संख्या, आप लोग कह सकते हैं कि अगला पद में से पिछला पद घटा देते हैं। तो यहाँ 6 में से 4 घटाएं, या 8 में से 6 घटाएं, या 10 में से 8 घटाएं, या 12 में से 10 घटाएं, या 14 में से 12 घटाएं, या 16 में से 14 घटाएं। प्रत्येक स्थिति में अगला पद से पिछला पद यदि घटाएं तो हमेशा सार्व अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सभी जगह सार्व अंतर 2 आ रहा है, इसीलिए आपका समांतर श्रेणी है। ये हम आपको अपनी तरफ से परिभाषा लिखाए थे, आपका किताब जो समांतर श्रेणी का परिभाषा दे रहा है पर उसको भी समझे। आपका किताब समांतर श्रेणी का परिभाषा लिख रहा है, संख्याओं का अनुक्रम a1 a2 a3 a4 a5 इस प्रकार हो कि a2 - a1 अर्थात a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, a5 - a4। देखिए a2 - a1, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, a5 - a4। यदि इस सब का अंतर निकाले और अंतर एक अचर राशि आए, अचर मतलब हमेशा समान आए, बराबर आए। यहाँ पर देखिए, इसको a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3 बराबर a5 - a4 देखे, कुछ आदमी समझ नहीं रहे होंगे कि ये क्या लिखा गया। तो हम बार बार बता रहे हैं कि सार्व अंतर निकाला गया यहाँ पे, और सार्व अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगला पद से पिछला पद घटाते हैं। यदि मान के चलिए कि एक अनुक्रम है a1 a2 a3 a4 a5, तो यहाँ पर हम लोग सार्व अंतर निकालेंगे तो अगला पद से पिछला पद घटाएंगे कि नहीं, तो a2 में से a1 घटाए हैं, फिर a3 में से a2 घटाए हैं, अगला पद से पिछला पद a3 में से a2 घटाए हैं, फिर a4 में से a3 घटा दिए हैं, a4 में से a3 घटा दिए हैं, और a5 में से a4 घटा दिए हैं। आपका किताब कह रहा है कि यदि ये अंतर एक समान रह जाए, हमेशा अंतर बराबर आ जाए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सब लोग अंतर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, उसी प्रकार से यदि इसमें सब में अंतर अचर राशि आए अर्थात समान अंतर आए, तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। और संख्या a1 a2 a3 a4 a5 समांतर श्रेणी में कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब ये सार्व अंतर जो है अचर राशि आएगा, समान आएगा। इस बात को नहीं समझ रहे हो तो यहाँ पर समझिए कि यदि हमेशा यदि कोई संख्या इस प्रकार लिखा हो कि अगला पद से पिछला पद घटाएं और प्रत्येक स्थिति में अंतर समान आए, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा अगला में से पिछला घटाते हैं तो 2 आता है, अगला में से पिछला घटा रहे हैं 2 आ रहा है, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटा रहे हैं 2 आ रहा है, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटा रहे हैं 2 आ रहा है,
अगली संख्या से पिछली संख्या घटा रहे दो आ रहा है, अगली संख्या से पिछली संख्या घटा रहे दो आ रहा है, प्रत्येक स्थिति में सर्वांतर समान आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। यदि कोई संख्या A1, A2, A3, A4, A5 हो और यहाँ भी यदि अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाए, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाए, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाए, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाए और इसका मान अचर आए, अचर मतलब एक समान आए, इसी को समांतर श्रेणी कहा जाएगा। ये परिभाषा आपकी किताब की। यदि इस प्रकार से आए तो A1, A2, A3 और A5 को समांतर श्रेणी में कहा जाता है।